मौके मिल रहे हैं, चांस मिल रहे हैं, लेकिन गोल के रूप में कन्वर्ट अभी तक। हाँ यार गड़बड़, ये हेडर, ये हेडर, ये गोल हो गया दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अपना काम करेंगे। मेरा नाम दशरथ, मैं आया आपको जैसे कि छोटा ब्लॉग वीडियो बनाते हैं दोस्तों, तो आज स्पेशली आ गए दोस्तों फिर से गिना बाहर, क्योंकि दोस्तों अभी मैच चल रहा है तो मुझे लगता है कि इस सीज़न को आप लोग को स्पेशली दिखाना चाहिए। तो फिलहाल दोस्तों आ गया हूँ आज अपने छोटे से धरनों में, और फिलहाल दोस्तों अभी जो मैच चल रहा है उसको आप लोग को रूबरू कराऊँगा और दिखाऊँगा। तो फिलहाल दोस्तों बन रहे रूबरू में दिख रही है, क्योंकि आज दोस्तों चार टीम खेलने वाला है ऐसे मुझे संडी भैया बताए थे कल। तो स्पेशली दोस्तों आज जो भी टीम खेल रही होगी, हालांकि मैं थोड़ा लेट से आया हूँ दोस्तों, 4 बज रहा होगा, और फिलहाल दोस्तों अभी जो भी सिचुएशन होगा उसको दिखाऊंगा। तो बन रहे दोस्तों वीडियो में, देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों मैं भी रोड में हूँ, और इधर दोस्तों देखिए जो बाइक की संख्या दोस्तों और कार की संख्या है वो तो अलग ही लेवल का दोस्तों, क्योंकि ये गिना बाहर में स्पेशली देखने को मिल रहा है। और मेरा छोटा सा कार है, और यहाँ पास एक और बड़ा सा कार है, और वहाँ पास थोड़ा सा सभापति जी का कार है, बोले तो भी कारें है, पिछला भी कारें है, उधर भी खड़ा कारें है दोस्तों। कार का संख्या भी है, आदमी लोग का संख्या भी दोस्तों यहाँ पास अलग लेवल का है। और फिलहाल दोस्तों हम लोग जाते हैं वहाँ पे, और सैंडी भी है जो आज का डिटेल बताने चाहेंगे, उस चीज़ को आप लोगों को सुनाना चाहूँगा कि कौन कौन सा टीम खेल चुका है और स्पेशली खेल रहा है कौन सा टीम, उसको भी दिखाया। तो फिलहाल दोस्तों बड़े वीडियो में देखते रहिए। फिलहाल दोस्तों यहाँ पर हमारे बादल भाई है, हेलो बोल दो भाई, इसी के साथ आए हूँ दोस्तों मैच देखने लिए। और फिलहाल दोस्तों यहाँ पर जो भीड़ का है ये बरगद के पेड़ के नीचे में है दोस्तों, और फिलहाल दोस्तों आज का जो मैच है उस चीज़ को स्पेशली सैंडिविया से मिल के बताता हूँ। तो फिलहाल अभी तो दोस्तों यहाँ का मैच चल रहा है उसको दिखाता हूँ, और क्या है कंडीशन उसको बताता हूँ। हेलो बोल दो दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप भी ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे और अच्छे समय के टारगेट के बॉलर और टारगेट की चौकर, और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तमाम यहां पर अतिथि के रूप में आप पूर्व खिलाड़ी यहां पर पहुंच रहे हैं, साथ में सुबेदार भगत जी जो कि अपने समय के बेहतरीन फुटबॉलर, साथ में वॉलीबॉल के भी बेस्ट प्लेयर के रूप में आप क्षेत्र में छाए हुए थे, और अभी फिलहाल दोस्तों आज के जो मैच है उसके बारे में स्पेशली मैं सैंडी भैया से जानकारी लेता हूं दोस्तों, और कितना मैच हुआ और क्या परिणाम हुआ उस सारी चीज़ के बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। सबसे पहले दशरथ जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। जो दर्शक हमारे साथ नहीं जुड़ पा रहे हैं मैं उनसे लगातार अपील कर रहा हूँ कि दशरथ भाई के चैनल में जाकर उनके चैनल में जाकर आप रोज दिन का मैच का आंखों देखा लुत्फ़ उठा सकते हैं। आज सुपर संडे 4 मैच, क्योंकि इस टूर्नामेंट का आज का जो है इस टूर्नामेंट का पहले राउंड का आखिरी दिन है, 4 मैच खेले जाएंगे, जिसमें पहला मैच FC लोधमा वर्सेस गांधी स्मारक जो बाहला के बीच काफ़ी रोमांचक मुकाबला रहा है। दोनों ही टीम एक एक की बराबरी के साथ पेनाल्टी शूट आउट तक दोनों ही टीम अपनी अपनी टीम को लेकर गई है, और जो बाहला की टीम पेनाल्टी शूट आउट में जीत कर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। और अभी जो है दूसरा मैच 112 रघुनाथपुर वर्सेस होली फ्रेंड्स के बीच मैच चलता हुआ, सेकंड हाफ का मैच में 1-0 की बढ़त के साथ 112 रघुनाथपुर की टीम अपनी दावेदारी पेश करते हुए, और देखते हैं अभी रेफरी के अंतिम विसिल का हमें इंतजार करना होगा। और 30 और एक मैच है इसके पश्चात, और आज 4 मैच होंगे, 2 मैच और बचे हुए हैं। तो दशरथ जी काफ़ी रोमांचक मुकाबला यहाँ पर चलता है, और काफ़ी ज़्यादा क्राउड है यहाँ पर आज, क्योंकि संडे है, सभी अपना जो कि काम धाम निपटा के जो है इस ग्राउंड में गिना बाहर के ग्राउंड में पहुँच जाते हैं, और तमाम यहाँ पर अतिथि जनप्रतिनिधि सारे लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं मैच देखने के लिए। मैं आपके माध्यम से सभी का मैं स्वागत करता हूँ दशरथ जी, धन्यवाद भैया। तो फिलहाल दोस्तों अभी सेकेंड मैच चल रहा है, और जो थर्ड मैच चलेगा उसको दिखाऊंगा, और जो फोर्थ मैच चलेगा उसको दिखाऊंगा। तो फिलहाल अरे यार
बच गया दोस्तों, नहीं तो भी गोल हो जाता। एफसी पाक बाहर के बीच रोमांचक मुकाबला और ये दिशा से बटके हैं, ऑन टारगेट की जरूरत, ऑन टारगेट गलती ना करे रघुनाथपुर की टीम के प्लेयर। मैच में बने रहना है, मैच जीतना है तो यहाँ पर स्कोर करने की जरूरत। और ये जो लूज पॉइंट यहाँ पर, अगर ये चांस बन सकता है गोल कंट्रोल करते तो शायद एक मौका आयोजन समिति की ओर से। और ये क्रॉस, लेकिन रक्षा बंती डिफेंस काफी लंबे कद के, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता वाली कहानी यहाँ पर प्रतीत होती हुई। और देखते हैं अंतिम समय, रेफरी की विशेष का इंतजार है हमें। और इस मैच के ऑफिशियल रेफरी आकाश धानसो काफी अनुभवी, काफी एक्सपीरियंस होल्डर, और उनका साथ देने के लिए असिस्टेंट रेफरी के रूप में छोटू तरुण लकड़ा बारिश में भीग कर धूप में खड़े होकर। और यहाँ पर चांस बन सकता था बॉल कंट्रोल करने की जरूरत, काफी कद के खिलाड़ी हैं रेफरी के विशेष। और परिणाम हालांकि अभी अगर हम देखें तो 1-0 की बढ़त यहां पर बनाई हुई है 1-2 रघुनाथपुर की टीम। और उनके जो मैनेजर होंगे काफी खुश तो होंगे, लेकिन टीम कौन सा है? टीम आपका नाम बता दीजिए। मनोज सागर कौन है? और पूरी तैयारी कर ली है क्या कलर नाम? और हम सभी जानते हैं, मैं पूछना चाहूँगा भाई नाम बता दो। सुभाष नॉर्थ वेस्ट लोग भाई अच्छा निकलना। पिछले वर्ष भी मैंने टीम का नाम कौन सा नाम बता दो। भगवान अपना नाम बता दो। विशाल धन्यवाद। शैलेंद्र नाम क्या है? नाम क्या है? लल्ला का चल नाम बता दो। पंकज नीरज बेस्ट ऑफ पहले अच्छा से खेलना। यहाँ पर वापसी करने के लिए बिल्कुल तैयार है, पूरी तैयारी के साथ। और मिस प्रदर्शन फाइनली दोस्तों मैच स्टार्ट हो गया है। अब देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम गोल करती है। फिलहाल दोस्तों बने रिपोर्ट में देखते रहिए, जो भी टीम मेंबर गोल करेगा दोस्तों उससे स्पेशली मिलूंगा और उसको गोल करके कैसा लग रहा है उसको पूछूंगा। तो फिलहाल दोस्तों आप लोग इंतजार किए, देखते रहिए। नंबरिंग आवश्यक करा दे ताकि हमारे रेफरी पैनल को बता दे दो शब्द जो कि सब्मिट करने में किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस बात का ध्यान रखें। अगली बार से ध्यान रखें, कल से सेकंड राउंड इंग्लिश में का मैच प्रारंभ को और नंबरिंग आवश्यक इंग्लिश और आज का आज खिलाड़ियों को बोल दीजिए शांति क्लब टू को पानी फतेहपुर के बीच खेल ऐसा देश प्रदेश में लाल छड़ी मैदान खड़ी या खूब लड़ी भारत में खूब लड़ी क्षेत्र में भैया और देख लेना किसी का पैर को टच नहीं करना जाती तो मस्त खेलना। फिलहाल तो गोल तो कोई साठ नहीं कर पाया, लेकिन फिलहाल तो अभी देखते हैं पेनाल्टी शूट और उस शूट को देखने। और दोस्तों इसी में निर्धारित होगा कि कौन सा टीम जीता और कौन सा टीम हरा। फिलहाल दोस्तों पेनाल्टी शूट दिखा रहा हूँ। और ये बिल्कुल रोक लिया है और अपनी टीम के लिए एक अहम भूमिका निभाई है गोलकीपर बाग बाहर के। और इस तरह 3-2 से पेनाल्टी शूटआउट जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुके हैं बाग बाहर की टीम। बाग बाहर के प्लेयर काफी अच्छा मैच बाग बाहर का टीम दोस्तों इस पे से जीत गई। हमने देखा टीम का नाम बता दो और नाम बता दो।
मित्र टुकु पानी है ना मित्र क्या नाम है मित्र जल्दी जल्दी बताओ आकाश अमन दीपक नितेश जगदू श्याम चप्पन भास्कर सुशील अरुण बेस्ट पल भाई लगा अच्छे से खेलना टीम का नाम बता दो घटाक से परिचय दे दो एफसी फतेहपुर परिचय दे दो पंकज लकड़ा चिराग पासवान मनीष विशाल राहुल प्रवीण मनीष जोनी सिंह बेस्ट पल भाई लगा अच्छे से खेलना फिलहाल दोस्तों मैच फाइनली स्टार्ट हो चुका है। अब देखते हो दोस्तों सबसे पहले कौन सी टीम गोल करती है, क्योंकि दोस्तों मुझे लगता है कि टुकुपानी अगर गोल करती है तो इनाम का बौछार होने वाला है, और फतेहपुर अगर दोस्तों गोल करेगी तो उनके लिए अब देखते हैं दोस्तों इनाम का बौछार होता है या नहीं होता है। लेकिन देखते हैं दोस्तों कौन सी टीम सबसे पहले गोल करती है। फिलहाल दोस्तों आप लोग बन रहे वीडियो में देखते रहिए। और गेम की जो स्पीड अप बढ़ चुकी है, बॉडी हिट हो जाते हैं जब मैच में स्पीड हमें देखने को मिलते हैं। दोनों ही टीम के जो प्लेयर्स हैं काफी चुनौतीपूर्ण ऑफसाइड होगा दोस्तों, और ऑफसाइड का हरजाना भुगतना पड़ेगा मुझे लगता है रेफरी पैनल की तरफ से। जेब में हाथ डाल रहे हैं लेकिन पैसे देने वाले थे, बच गया, पैसा निकाल रहे थे, अब जब रेफरी की विसल बच जाती है हो गया। आप बॉल को बिल्कुल नॉट टच करें, ये बिल्कुल इतनी आसानी से गोलकीपर एक्सपर्ट गोलकीपर कई मैचों का अनुभव रखते हैं गोलकीपर। और हमारे बीच अभी वो बॉल मौजूद है, चार मौके बॉल को खतरे से डाला है। ये शॉट बिल्कुल बेहतरीन शॉट, मौके मिल रहे हैं, चांस मिल रहे हैं लेकिन गोल के रूप में कन्वर्ट अभी तक। यार गोल हो गया दोस्तों, हेडर की जरूरत। मैंने शुरुआत में ही कही थी कि आज भले फिलहाल दोस्तों फतेहपुर पहला गोल किया, और सबसे पहले मैं भाई का नाम और परिचय जानना चाहूँगा। भाई इधर देखो, अपना नाम बता दो। मनीष भगत। आपके टीम के लिए पहला गोल किया, कैसे लग रहा है अभी आपसे बताया थी? अरे क्या बोलूँगा, बहुत अच्छा लग रहा है। अपनी टीम जो मतलब जीत दिलाने की कतार में खेला, बस हो गया, बस आज बहुत अच्छा लग रहा है। गोल और गोल करना है कि नहीं? और मारना है अभी। और धन्यवाद भैया। लाइट दोस्तों पूरी तरह से कम हो गया है, उसके वजह से दोस्तों अच्छे से वीडियो नहीं बन पा रहा बिल्कुल भी। फिलहाल दोस्तों अभी तो मुझे लगता है कि जो परिणाम आएगा उस चीज को बताता हूँ, और इस वीडियो को अंत करता हूँ। तो फिलहाल तैयार कीजिए दोस्तों, मैच को देखते रहिए।
आज के मैच का जो रिजल्ट था उसको बता दीजिए भैया। दशरथ जी, आज सुपर संडे था और काफ़ी अच्छा मैच आज दर्शकों को देखने को मिला है और आज का मैच काफ़ी रोमांचक। मैं पहला मैच के बारे में बता दूं दशरथ जी, पहला मैच FC लोधमा वर्सेस गांधी स्मारक जुगबाला के बीच, जिसमें पेनाल्टी शूटआउट के माध्यम से मैच गांधी स्मारक जुगबाला की टीम ने मैच जीता। और दूसरा मैच काफ़ी रोमांचक रहा, 112 रघुनाथपुर बी की टीम वर्सेस जो कि हॉली फैंट, ये मैच रघुनाथपुर की टीम ने 1-0 से मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। और तीसरा मैच बिंज ब्रदर्स वर्सेस बाग बहार के बीच मैच खेला गया, जिसमें पेनाल्टी शूटआउट के माध्यम से बाग बहार की टीम 4-2 से मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। और आज का काफ़ी टफ मैच, जो कि पिछले वर्ष की रनरअप टीम फतेहपुर जसपुर की टीम वर्सेस टुकुपानी सुभाषुपारा के बीच मैच रहा, काफ़ी रोमांचक। और इसमें फतेहपुर जसपुर की टीम 1-0 से मैच जीतकर अगले राउंड में पहुंच चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद दशरथ जी। धन्यवाद भैया। फिलहाल दोस्तों काफ़ी रात हो गया और मुझे लगता है दोस्तों अब इस वीडियो को अंत करता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।